केंद्र के जन विरोधी रवैये के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस, घरेलू सामान जैसी आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और चूल्हे घर के बाहर रखकर घंटी और ड्रम बजाकर कुंभकर्णी निंद्रा में सोई गूंगी बहरी केंद्र सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस एक दिवसीय प्रदर्शन पर बैठी है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री पीएल पुनिया भी यहां पे प्रदर्शन पर बैठे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। हम सीधे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से जानेंगे, सर आज एक दिवसीय प्रदर्शन पर बैठे हैं आज आप लोग। देखिए, महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम लोग जिला मुख्यालयों में धरना और फिर सांकेतिक हमने माल्यार्पण किया है, रसोई गैस का, मोटरसाइकिल का, और आम जनता को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लगातार लड़ रही है। और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम हो, ये हमारी मांग केंद्र सरकार से की कर रहे हैं। आज ये प्रदर्शन पर बैठे हैं सर, लगातार 10 दिनों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल जो 100 रुपये हुआ करता था 107 रुपये लीटर तक पहुंच गया है, आगे भी और बढ़ने की बात कही जा रही है। क्या लगता है आगे महंगाई कम होगी या नहीं? देखिए, 8 सालों में केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार 26 लाख करोड़ रुपया आम जनता के जेब से निकाला है, आम जनता को लूटने का काम किया है। हमारी मांग है, बड़े बड़े वादे करके, अच्छे दिनों का वादा करके आप महंगाई बढ़ रहे हैं, तो महंगाई से राहत दे, रसोई गैस के दाम कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, ये हमारी मांग है। सर, लगातार आप लोगों ने महंगाई के विरुद्ध जो है अभियान चलाने की बात करी है 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक, और अगर आगे महंगाई कम नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आगे? देखिए, हमारी लड़ाई आम जनता को राहत देने तक अनवरत जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो महंगाई के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाना जो है शुरू कर दिया है, और लगातार जब तक जो है महंगाई जो है कम नहीं होगी तब तक इनका जो है अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी प्रकार आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव रायपुर।